हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इक्रामीमन। आज हम समझने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटी, जो कि लक्ष्मीकांत, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, उसके अंदर से हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, 6th revised edition है, बिल्कुल न्यू बुक है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि अगर हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए इंडियन पॉलिटी के। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके नोट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो मैं आपको आज बताऊँगी इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि आपको क्या करना है। देखिए, बस दो तीन तरीके मैं आपको पहला तरीका डिस्कस करके बताती हूँ। यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो है स्टिकी नोट्स का यूज़ करिए। स्टिकी नोट्स आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होते हैं। स्टिकी नोट्स को आप यूज़ करके अगर आपको बहुत अच्छा लगता है कि बुक पढ़ना, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है कि यार खुद की हैंडराइटिंग पढ़ने में मज़ा नहीं आती, आपको जो है क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है और यूजिंग दी बुक, आप बुक से बहुत अच्छा रिटेन कर पाते हो, तो क्या करना, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना हिसाब से जो है ना चीज़ें कर सकते हो। तो आपको पता है, आप मार्केट में से स्टिकी नोट्स खरीद लीजिए, ठीक है, बहुत इजीली आपको हर जगह से स्टिकी नोट्स मिल जाएंगे। और स्टिकी नोट्स का यूज़ करिए। स्टिकी नोट्स में आप जो है क्या कहते हैं, यूज़ करके हर जगह जो है स्टिक कर सकते हैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि देखिए, आप जो लर्न कर रहे हैं ना, वो भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुक तो लिख दी गई है लेकिन आपको UPSC क्या मांगेगा, आपका पर्सपेक्टिव मांगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे यहाँ पर जो है कुछ स्टिक करना है, आप जो है स्टिकी नोट स्टिक कर दीजिए और इस तरीके से जो है आप अपने नोट्स जो है बुक के अंदर ही बना सकते हैं। तो जब एग्जाम टाइम आएगा ना, और अगर आपने बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, देखिए कभी भी UPSC के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, बुक को एक बार नहीं पढ़ना होता है, बुक को जो है मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होता है, यहाँ तक के पढ़ना होता है कि जब आपको याद हो जाए कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, रटना नहीं है, बट बेसिकली आपको इतनी बार जो है बुक से फैमिलियराइज हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि यहाँ पर जो है आप जब बुक के अंदर नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पहले तो पेन का यूज़ कीजिए, जैसे कि आप करते हो। देखिए, बुक में भी आप थोड़ा बहुत अंडरलाइन करते रहिए, भले ही लोग बोलते हैं पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली पेन का यूज़ करना अच्छा लगता है। आप पेन का यूज़ कीजिए, हाईलाइटर का यूज़ कीजिए, स्टिकी नोट्स का यूज़ कीजिए, ठीक है। आपको पेंसिल का यूज़ करना है, जिसका यूज़ करना है आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको कोई मना नहीं करने वाला, आपकी बुक है, ठीक है। तो लेकिन आप अगर बुक में नोट बनाना चाहते हैं तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है नोट बनाने का, देखिए दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है एक अच्छी सी कॉपी लीजिए। कॉपी आपको जो है ना क्या कहते हैं, प्रीफर करिए, मैं आपको बताती हूँ, प्रीफर करिए कि आप जो कॉपी ले रहे हैं वो क्या हो, ब्लैंक कॉपी हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको मार्केट में जो है हर जगह मिल जाती है इस टाइप की कॉपी, ठीक है, इस टाइप का जो रजिस्टर होता है, ठीक है, ब्लैंक रजिस्टर आपको मिल जाता है। फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, बहुत सारी इजीली आप चीज़ें कर सकते हो जो कि आप जो है रूल वाले में नहीं कर पाओगे। सेकेंडली दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आती है, आपको पता होगा UPSC के अंदर जो पेपर आता है वो आता है ब्लैंक पेज पे, आपको लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के अलावा अगर आप इस पर जो है प्रैक्टिस करोगे तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आई होप यू आर एबल टू सी इट। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है, इसका मैं आपको नोट बना के दिखाती हूँ। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो आपको कोई नोट्स चेक नहीं करने वाला। तो आप रेड पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, हर कलर के पेन आप यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेक्शन है नोट्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा आपके नोट्स ना डल नहीं बनेंगे, थोड़े से कलरफुल रहेंगे। तो पढ़ने में जितने कलर पेन आप यूज़ कर सकते हो ना, उतने कलर पेन यूज़ करिए, लेकिन ज़्यादा भी मत कर दीजिए, वरना थोड़ा सा कचपचा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं प्रेफर करती हूँ 3 रेड पेन यूज़ करना, एक होता है ब्लैक, ब्लू एंड रेड, ठीक है, 3 जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे रेड पेन से आप पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर सकते हो, ब्लैक आप हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और ब्लू आप कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप करोगे ना तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। तो एग्जाम के टाइम पर क्या रहेगा, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है तो रेड वाला कंपोनेंट पढ़ना है, ब्लैक जो है वो हेडिंग रहेगी और जो ब्लू रहेगा वो क्या रहेगा, कंटेंट रहेगा। इस तरीके से जो है आप सब्जुकेट कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स बनाने की, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम समझने वाले हैं।
हाँ